80 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा विषय देश में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा नीति से संबंधित होगा। आज शिक्षा हर नागरिक की चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने देश के शिक्षा ढांचे में जो परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया है, क्या यह सचमुच देश की आवश्यकताओं को शिक्षा क्षेत्र में पूरा करेगा? इस संबंध में कई प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही है और मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्री को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के माध्यम से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो तथा जो दोष एवं त्रुटियां हमारी शिक्षा प्रणाली में अब तक रही है वे दूर हो जावे। पैरा श्रीमान, जहां तक इस बारे में जो निष्कर्ष निकला है वह यही है कि शिक्षा शास्त्रियों का अभी तक भी इन परिवर्तनों में एक मत नहीं है। इसलिए इस स्थिति में नई शिक्षा प्रणाली को लागू करना बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने के समान होगा। यह ठीक है कि नई प्रणाली व्यावसायिक प्रवृत्ति की होगी, किंतु दूसरी ओर यह अनुभव किया जा रहा है कि विद्यार्थियों पर पढ़ाई का अधिक बोझ रहेगा जो साधारण बच्चों की क्षमता से बाहर भी होगा। पैरा मेरा इस संबंध में यह विचार है कि इस सदन ने माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए हैं सरकार उनका आदर करे तथा इन सुझावों के हर पहलू पर गंभीरता से विचार करे। इन सदन में बोलने वाले बहुत से सदस्य ऐसे भी हैं जो स्वयं शिक्षा शास्त्री है तथा उनका कार्य क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव भी है। शिक्षा मंत्रालय को उनके इस अनुभव का अवश्य लाभ उठाना चाहिए ताकि हर प्रकार से सुधरी हुई एक ऐसी शिक्षा नीति हम देश में लागू कर सके जिससे सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि जो भी सदस्य एवं शिक्षा शास्त्री इस योजना से संबंधित हो वे कोई भी सिफारिश करने से पहले भारतीय समाज बच्चों के स्तर तथा अन्य कई प्रकार की उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का अवलोकन अवश्य कर ले। पैरा मान्यवर, इस विषय पर मैं और भी खुले दिल से अपने विचार रखना चाहता था किंतु समय का अभाव है, अतः मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूँगा कि आपने मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। स्टॉप।
डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।